Family, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, and here is my new vlog. So this is my most favorite vlog, or favorite kyun? Kyunki shopping vlog hai, aur I love shopping. मुझे रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आया और एडिट करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, वॉइस ओवर करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. इंशाल्लाह आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़ा आएगा. व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि बहुत मज़े का व्लॉग है, और आप लोगों को पता है ईद आने वाली है, तो मैंने आप लोगों के लिए हर चीज़ रिकॉर्ड की है. क्या क्या कलेक्शन आई है, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं, तो प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिएगा. और वैसे तो ये पुराना व्लॉग है, थोड़े दिन पुराना व्लॉग है, लेकिन अगर आप लोगों को जो आर्टिकल जो चीज़ समझ आए, आप लोग आउटलेट पे जाके पूछ सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि इतना पुराना व्लॉग भी नहीं है, बस कुछ दिन पहले का है, तो यकीनन ये चीज़ें अभी भी आउटलेट पे होंगी. हम लोग आए हैं सबसे पहले जे डॉट के आउटलेट पर. सीरियसली यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी, और प्राइजेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आप लोग देख सकते हैं जूम करके. वैसे भी वर्बली मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 6,000 to 11,000-12,000 तक की रेंज में थे, और ज़्यादा जो फैंसी हैं, लाइक जो फेस्टिव वेयर हैं, फेस्टिव से मुराद जो थोड़े से फॉर्मल हैं, 15 तक की रेंज में थे. तो आराम से आप लोग अपना माइंड बना सकते हैं, जो भी आपकी रेंज हो उसके अकॉर्डिंग आप जाके उसी आउटलेट से जाके शॉपिंग कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ. तो अब थोड़ा सा ज्वेलरी की तरफ आ गई हूँ, और यहाँ ये ग्रीन इयररिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगे, ये 800 की प्राइस में थे. और इसी के नीचे जो सिल्वर इयररिंग्स हैं वो 500 की प्राइस में थे. जिसका भी ड्रेस बॉटल ग्रीन कलर का है, वो ये वाले इयररिंग्स ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छे लगे थे ये. तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी और ये फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. हो सकता है किसी का बॉटल ग्रीन कलर का ड्रेस, तो वो यहाँ से बहुत प्यारे से इयररिंग्स परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में. ये कलर फैशन में बहुत इन है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का इस कलर का ड्रेस होगा. पता नहीं मैंने अब तक इस कलर का ड्रेस क्यों नहीं बनाया. अगर आप लोगों का इस ईद पर ये वाले कलर का ड्रेस है, तो कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा. खैर, यहाँ पे बैंगल्स भी बहुत प्यारी थी, 500 to 800 की रेंज में थी, और काफ़ी अच्छी थी. मेरी ड्रेस के साथ सिल्वर बैंगल्स मैच हो रही थी, तो फिर मैंने वो परचेज़ की. और यहाँ पे कुछ फुटवेयर थे जो कि बहुत प्रीटी थे, ये वाइट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो मेरा ड्रेस था उसके साथ ये उठता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया. प्राइजेज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. सब फुटवेयर के प्राइजेज़ मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, बस कुछ के मैंने कर लिए थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए. और यहाँ बहुत प्यारे खुद से कलेक्शन है, तो अगर आप लोगों को खुद से चाहिए हो या खुद से लवर आप लोग हों, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि मुझे यहाँ के खुद से बहुत अच्छे लगे थे. बट मेरे किसी ड्रेस के साथ खुद से अच्छे नहीं लगते, तो मैंने खुद से इस बार लिए ही नहीं, वरना मैं हर ईद पे लाजमी एक ड्रेस पे तो खुद सा लेती हूँ. ईद का जो मेन ड्रेस है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था लास्ट व्लॉग में, कि मैं उसका फैब्रिक लेकर आई हूँ, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपना फुटवेयर देखूंगी. अब तक मैंने फुटवेयर नहीं लिया है, लेकिन मैं सर्चिंग में हूँ. और जो मेरा सेकंड ड्रेस है वो मैंने इसी डे लिया था जिस डे का ये व्लॉग है. तो बस यही होता है ना कि पहले आप ड्रेस देख लो, उसके बाद उसकी मैचिंग लाइक फुटवेयर देखो. तो अब तक तो फुटवेयर की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि इस टाइम तक तो ड्रेस भी नहीं लिया था, वो थोड़ा आगे जाके परचेज करूँगी. खैर, अभी मैं यूँ क्रॉस स्टिच, और यहाँ के जो स्टिच ड्रेसेस थे बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारी शर्ट्स थी. मुझे ये ग्रीन बहुत अच्छी लगी, ये वाइट शर्ट भी बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट थी, और इसी रेंज में थी, 4,000 something. अच्छा, तो यहाँ के अनस्टिच भी बहुत प्यारे थे, जो कि मैं देख रही हूँ, वो भी बहुत प्यारा लगा मुझे. कलर की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इतना कोई खास ये कलर पसंद नहीं है. अच्छा, पहले मैंने इनकी वेबसाइट विजिट की थी, और वहाँ से मैंने 2-3 ड्रेसेस चूज़ कर लिए थे जो कि मुझे पसंद आए थे. फिर मैंने यहाँ पे आके देखे, मुझे ये वाइट पिंक बहुत अच्छा लगा था वहाँ, लेकिन इसका दुपट्टा शिफॉन का था, शिफॉन का भी मुझे फैब्रिक मज़े का नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसलिए ये इसको छोड़ दिया. और अनस्टिच के जो भी प्राइजेज हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा. यहाँ पर भी अनस्टिच जो थे वो 6,000 to 12,000 तक की रेंज में थे, और जो शादी वेयर थे, फॉर्मल वेयर थे, वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे. ईद वेयर जो थे वो 12,000 तक की रेंज में थे, और बहुत प्यारे थे. यहाँ का काम ना मुझे बहुत पसंद है क्रॉस स्टिच का, क्योंकि हर दुपट्टे में इनके जो ना कटवर्क होता है और एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स होते हैं, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं. अनस्टिच कलेक्शन इधर की बहुत प्यारी थी, अगर आप लोगों को लेनी हो तो यू कैन विजिट देयर आउटलेट.
ओवरऑल ड्रेसेस ही बहुत प्यारे तरीके स्टिच भी और अनस्टिच दोनों। यहाँ के कुछ ड्रेसेस एक्सपेंसिव भी होते हैं लेकिन इनका वर्क बहुत प्यारा होता है और पैसे वसूल हो जाते हैं लिटरली। ये वाला ड्रेस जो अभी मैंने खुलवाया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था मम्मा के लिए। मैंने मम्मा से कहा था कि मम्मा ले लें, अच्छा लग रहा है, लेकिन मम्मा ने खुलवाया, मम्मा ने प्रॉपर देखा, फिर एंड में ये बोला कि लाइट कलर नहीं लूँगी मैं। तो वो जो शॉपकीपर थे ना वो भी देख रहा था कि जब लाइट कलर नहीं लेना था तो खुलवाया क्यों, मतलब दिख तो रहा था ना आपको लाइट कलर, लेकिन मम्मा कन्फ्यूज़ हो जाती है ना, मैं बोलती हूँ मम्मा ले लें लेकिन मम्मा ने नहीं लिया। खैर हम लोग फिर आए ज़ेलपरी और ज़ेलपरी की मैं बड़ी तारीफ़ें सुन रही थी कि बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि लाजमी मुझे चेक करना है और जो कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो आते ही तो मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर बहुत प्यारा लगता है लेकिन समटाइम्स मूड पर डिपेंड करता है, मेरे कभी कभी अच्छा लगता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में होते हैं ज़ेलपरी पे ड्रेसेस। ईद वेयर थे ये दो ड्रेसेस तो मैंने इसके प्राइजेस आप लोगों को दिखा दिए, थोड़ी सी डिटेलिंग भी दिखा दी कि क्या वर्क हुआ है। और ये ड्रेस था लॉन फैब्रिक पे, मम्मा को अच्छा लग रहा था, मम्मा ने मुझे बोला था कि ये ले लो, मुझे भी अच्छा लगा था ये क्योंकि वाइट कलर हर कलर के साथ ही प्यारा लगता है और इसकी नेक पे वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी तो काफ़ी प्यारा लग रहा था। इस तरह के ड्रेसेस आप ईद के थर्ड डे आराम से वेयर कर सकते हो और दावत ख़त्म होने के बाद भी इसको पहन सकते हो। लाइक हैवी ड्रेसेस पहनने के बाद काफ़ी लोग चेंज कर लेते हैं डिनर के टाइम या डिनर के बाद, तो आप लोग ये उस टाइम आराम से वेयर कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। खैर यहाँ पे कुछ शर्ट्स थी जो कि मैं प्राइजेस के साथ आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत प्यारी थी। लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और आगे भी पड़ेगी, ईद पे भी बहुत गर्मी होगी तो ज़्यादातर लोग लॉन ही प्रेफर करेंगे। मेरी मम्मा ने तो क्लियरली बोल दिया था कि मैं तो प्लेन बिल्कुल सिंपल लॉन के ड्रेसेस लूँगी और एक थोड़ा सा जो ना फेस्टिव वेयर ले लूँगी ताकि दावत शावत हो तो उसमें आराम से पहन सकूँ। प्रिंटेड लॉन भी अगर आप लोग अच्छा से एम्ब्लिश करके उसको स्टिच करवाओ ना तो ईद पे सीरियसली वो बहुत प्यारा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत एम्ब्रॉयडरी हो या सीक्वेंस वर्क हो या कुछ अलग सा ही उसमें लाइक मिरर वर्क के ड्रेसेस हो, नो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाहिर है ईद पे तो सबका फैंसी पहनने का दिल करता है लेकिन गर्मी इतनी है ना, तो बस इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो प्रिंटेड लॉन पसंद करते हैं, जो प्रिंटेड लॉन ही पहनना चाहेंगे तो बस उसे अच्छा सा एम्ब्लिश कर लें, सीरियसली वो बहुत प्यारा लगेगा। और मम्मा भी प्रिंटेड लॉन ही लेना चाह रही हैं तो मम्मा भी यही कह रही थी कि मैं उसे अच्छा से एम्ब्लिश कर लूँगी तो वो ईद वेयर दिखेगा और अच्छा लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये जिसमें आप लोग इजी हों, जिस फैब्रिक में इजी हों उसी तरह के ड्रेसेस लें। ये ब्लैक वाइट शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जब ये मैंने ट्राई के लिए ली थी तो मुझे नहीं पता था कि ये सोल्ड आउट हो चुकी है और यहाँ से ये नहीं मिलेगी। मैं आराम से इसको पसंद करके मैंने इसको ट्राई कर लिया और साइज़ भी बता दिया। जब मैं काउंटर पर गई तो उन्होंने बोला कि ये सोल्ड आउट हो गई है और इसकी वेबसाइट पर आप चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ भी नहीं थी और मुझे इतना हुआ ये शर्ट मुझे मिली ही नहीं और मुझे बहुत अच्छी लगी थी लिटरली। देन ये ज़ेलपरी के कुछ अनस्टिच थे, ये भी बहुत प्यारे थे और कलर्स भी बहुत ब्राइट भी थे, लाइट भी थे, तो काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशंस थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, प्रिंटेड भी थे, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में थे और लास्ट 5000 तक की रेंज में थे। और जो शिफॉन ऑर्गेंजा फेस्टिव फॉर्मल वेयर जो थे वो 10000 तक की रेंज में थे। देन अब मैं आ गई हूँ बैग्स की कलेक्शन में और लिटरली इतनी अमेजिंग कलेक्शन थी इनकी, काफ़ी रीजनेबल भी थे और कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे। आप लोग मैचिंग आउटफिट के साथ अगर कोई बैग चाहिए हो आप लोगों को तो यू कैन विजिट देयर आउटलेट, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। 2100 यहाँ स्टार्टिंग प्राइस थी। लिटरली आप लोग यकीन करें बैग्स की, इतने प्यारे बैग्स की प्राइजेस 2100 से स्टार्ट थी और 3000 पे एंड थी। अच्छा ये ब्लैक बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही डिसेंट और ग्रेसफुल लग रहा था। मुझे ना क्रॉस बॉडी बैग्स ही पसंद है, लाइक बड़े बड़े बैग्स नहीं पसंद, छोटे छोटे ही पसंद हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वो क्यूट क्यूट से। खैर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसकी प्राइस आप लोगों के सामने शो कर दी है और जो जो यहाँ से लिया हमने उसकी फिर बिलिंग करवाई। और इस टाइम मुझे पता चला था कि ये जो शर्ट है ब्लैक एंड वाइट ये अवेलेबल नहीं है, ये नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ये एक ही थी तो नहीं दी उन्होंने। मेरा साइज़ भी वो ठीक था लेकिन फिर भी नहीं दी। खैर फिर हम लोग मेन कलेक्शन की तरफ आ गए जिसमें हम लोगों ने जावी भाई और बाबा के लिए शर्ट्स देखी, लेकिन हमें पसंद बाबा और भाई के लिए ही, जावी के लिए पसंद नहीं आई तो इसलिए मैं जावी के लिए नहीं ली। मेन कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे और सबसे अच्छी बात यह है कि रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे शर्ट्स मिल जाती हैं। अच्छा अगर प्राइजेस की बात की जाए तो बहुत ही रीजनेबल थी, 1000 प्लस इसकी प्राइजेस थी सब शर्ट्स की, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी, तो आप लोग इधर विजिट कीजिएगा और फिर अपनी शॉपिंग कर लीजिएगा। अच्छा ये पिंक लाइट पिंक कलर
इतना प्यारा लगा था ना हमें। खैर जब मामा शॉर्ट्स पसंद कर रही थी तो फिर मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ज़ेलबेरी पे मैन कलेक्शन कैसी आई हुई है। लास्ट जो एंडिंग प्राइस थे ना वो 2500 तक थी बस, इससे ज़्यादा की शर्ट्स नहीं थी। खैर जो मैंने अपना अनस्टिच ड्रेस लिया उसके लिए मैं कुछ सिल्वर ढूंढ रही थी तो मुझे ये दिखी, दूर से मुझे अच्छी लगी लेकिन करीब जाके मुझे अच्छी नहीं लगी। देन हम लोग अकेन बिलिंग के लिए आए, जो शर्ट्स हम लोगों ने ली थी और वो रही ब्लैक एंड वाइट शर्ट जो मैं नहीं ले सकी, जो मुझे नहीं मिल सकी। खैर फिर हम लोग आए साया। आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर ड्रेसेस साया के पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है और यहाँ के ड्रेसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। देन हम लोग डायरेक्ट अनस्टिच कलेक्शन की तरफ आए क्योंकि मामा अपने लिए अनस्टिच कुछ अच्छा ढूंढ रही थी और उनको अभी तक नहीं मिला कुछ भी। मामा की चॉइस भी इतनी मुश्किल है ना, मुझे जो पसंद आ रहा था मैं कह रही थी मामा ये अच्छा लग रहा है देख ले, मामा को नहीं अच्छा लग रहा था, किसी में कोई बात थी, किसी में कुछ मसला था तो वो मामा को पसंद ही नहीं आ रहा था। खैर फिर मामा को ये ब्लैक वाला पसंद आया तो अब देखते हैं इसका क्या होता है। ये मामा ने निकलवाया है देखने के लिए तो ये भी मुझे भी अच्छा लगा लेकिन मैं कह रही थी मामा ब्लैक 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 बहुत हो गए, कुछ डिफरेंट लें, कुछ अलग कलर लें। लेकिन यही है ना कि ब्लैक पे मामा की जान आके जो ना बसती है कि नहीं ब्लैक बहुत अट्रैक्टिव लगता है मामा को भी और मुझे भी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ब्लैक ड्रेसेस आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं भी एकदम अट्रैक्ट हो जाती हूँ ब्लैक देख के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई जो कलर हमने नहीं लिया ना हम वो न्यू हमारे पास कलेक्शन हो। फिर सेकंड मामा को ये पसंद आया था, मैंने कहा मामा ब्लैक नहीं लिया, खुलने के बाद इतना अच्छा नहीं लगा था तो फिर ये पसंद आया था लेकिन इसका दुपट्टे के कलर्स कॉम्बिनेशन नहीं अच्छे लगे तो फिर इसको भी छोड़ दिया। आगे देखते हैं आगे कहाँ से मिलता है क्या मिलता है। मैं चाह रही थी कुछ और अच्छा मिले, देखने के बाद मुझे अच्छा लगा लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि मैं फ़ौरन ले लूँ तो फिर मैं आगे और आउटलेट विज़िट करूँगी तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर साया के ड्रेसेस के जो जो प्राइजेस थे वो मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये अनस्टिच कलेक्शन थी, काफ़ी अच्छी थी लेकिन मुझे जो पर्सनली लगा है ना, ईद की वजह से इन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए अपने ड्रेसेस, लाइक सीरियसली मतलब क्यों। नॉर्मल ड्रेसेस भी इनके अनस्टिच 15,000 तक की रेंज में है, मतलब सीरियसली। चलो ठीक है बंदा एक्सपेंसिव भी ले ले लेकिन उस पर काम तो प्रॉपर नज़र आना चाहिए, लाइक एम्ब्रॉयडरी पैचेस होने चाहिए, आपका कटवर्क नज़र आना चाहिए अच्छे से और जो डिटेलिंग है, जो एम्बलिश जिस तरह ड्रेस हुआ हुआ है वो बहुत प्रॉपर नज़र आना चाहिए। जो वर्क हम घर पे इजीली कर सकते हैं, लॉन फैब्रिक की शर्ट लेके उस पर फैंसी बटन्स लगा के और टिश्यू का साथ दुपट्टा लेके उसको अच्छा सा लेसेस में एम्बलिश करके हम घर पे भी रेडी कर सकते हैं तो फिर इतना एक्सपेंसिव ड्रेस लेने की ज़रूरत क्या है। इस बार मुझे थोड़ी सी इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, अनस्टिच भी इनके बहुत ज़्यादा प्राइजेस थे, लाइक क्रॉस स्टिच भी मैं देख रही हूँ, जे डॉट भी मैं देख रही हूँ, उनका काम उनके प्राइसेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लाइक कट वर्क था जो कि घर में इतना नॉर्मली नहीं हो सकता, एम्ब्रॉयडरी पैचेस थे जो कि सीरियसली बहुत फैंसी और बहुत एलिगेंट लग रहे थे। अगर आप 15,000 और 16,000 के अनस्टिच ड्रेसेस लेते हो तो उनके पैसे भी तो वसूल होने चाहिए ना। इनके ड्रेसेस भी नो डाउट अच्छे हैं, अच्छा काम हुआ हुआ है, अच्छे से एम्बलिश हुए हैं लेकिन प्राइसेस मुझे ड्रेसेस के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा लगी। एज यू नो कि मैं अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती हूँ तो जब मैं ड्रेसेस देख रही थी तो मैं ये भी देख रही थी कि यार ये वाला ड्रेस तो आराम से घर में रेडी हो सकता है तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ये क्यों है या फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव बंदा क्यों ही ले। मैं इनके ड्रेसेस को बुरा नहीं बोल रही, बिल्कुल बुरा नहीं बोल रही, बहुत अच्छे हैं और साया मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट, लाइक बहुत ही फेवरेट ब्रांड है क्योंकि मैं ज़्यादातर साया की शर्ट और अभी भी मैंने साया की शर्ट ही पहनी हुई है तो मुझे साया बहुत पसंद है। खैर मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि इनके जो अनस्टिच है, लाइक लॉन जस्ट सिंपल लॉन है और एक ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ है साथ, तो उनके प्राइसेस 8,000 to 10,000 की रेंज में थे। ठीक है कुछ ड्रेसेस वहाँ पे ऐसे भी थे जो कि अपने प्राइसेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे और कुछ मुझे एक्सपेंसिव लगे, अपने काम के अकॉर्डिंग प्राइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव थे। खैर जो मेरी थॉट थी इस चीज़ को लेके, जो मैं सोच रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में शेयर कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ओपिनियंस कॉमेंट्स में मुझसे शेयर करें, प्लीज़ डू कॉमेंट्स एंड शेयर योर ओपिनियंस। यहाँ एक और चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि दुपट्टे बिल्कुल सेपरेट है,
यहाँ मुझे एक आइस ब्लू कलर की शर्ट पसंद आई थी जो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाई भी है, तो मैंने उसके साथ दुपट्टा पूछा तो उन्होंने बोला इसका दुपट्टा सेपरेट है अलग से और उसकी प्राइस भी कोई 5 to 6,000 थी, मुझे याद नहीं है, मैंने मेंशन किए तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मतलब सीरियसली दुपट्टे सेपरेट मिल रहे हैं अब। सो मैं वही मम्मा से यही बात कर रही थी कि मम्मा दुपट्टा साथ होना चाहिए और ये मुस्लिम कंट्री है तो दुपट्टा तो कंपल्सरी है, और ठीक है कुछ लोग नहीं पहनते दुपट्टा साथ लेकिन मुस्लिम कंट्री है ये तो दुपट्टे विदाउट दुपट्टे तो ड्रेसेस सेल होने ही नहीं चाहिए। खैर अब हो रहे हैं, जो हो रहा है वो हो ही रहा है, उसको कौन ही रोक सकता है, लेकिन जो मेरी थॉट है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। साया के बाद मैं गई थी बोनांजा के आउटलेट पे और एस यू नो के बोनांजा पे काफ़ी अच्छे ड्रेसेस होते हैं और इस बार भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी बोनांजा की। कुछ ड्रेसेस के प्राइसेस मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अगर आप लोगों ने अब तक ईद के ड्रेसेस नहीं लिए तो यू कैन विजिट जे डॉट और क्रॉस स्टिच, जेल बेरी तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे कलेक्शन आई हुई है और रीजनेबल प्राइस में है, और बोनांजा पे भी बहुत अच्छी आई हुई है। साया की भी अच्छी है बट प्राइसेस थोड़े से मुझे हाई लगे। एंड एथनिक तो यू नो माय फेवरेट, एथनिक पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी और स्टिच ड्रेसेस काफ़ी अच्छे थे, प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल थी, बहुत अच्छी प्राइसेस थी ड्रेसेस के हिसाब से जिस तरह का इनका काम था तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इनकी प्राइसेस। लेकिन जो अनस्टिच ड्रेस थे वो मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे बट स्टिच ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। और जो एक फ्रॉक मैंने आप लोगों को दिखाई है लॉन्ग, वो मैं घर में आराम से स्टिच करवा सकती हूँ तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद उसको मैंने रिक्रिएट करना है। अच्छा जो एथनिक के शादी वेयर थे लाइक फॉर्मल जो थे वो एक्सपेंसिव थे, 50+ थे, तो मैंने कहा यहाँ से तो साइड ही हो जाओ, बस देख ही लो क्योंकि अभी ऐसा कोई शादी वेयर चाहिए भी नहीं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इस तरह के ड्रेसेस आप घर में भी आराम से जो ना फैंसी अनस्टिच फैब्रिक लेके बना सकते हो, तो मैंने कहा देखने में क्या है, देख लो और ज़रूरी नहीं है कि आप लो, लाजमी लो, देखने में भी मज़ा आता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर आउटलेट मैं विज़िट करूँ क्योंकि मैं अपने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करती हूँ, मुझे डिज़ाइन करना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादातर आउटलेट विज़िट करूँ, देखूँ क्या क्या आया हुआ है, क्या क्या फैशन में है, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे मज़ा आता है विज़िट करने में भी, भले मैं ना लूँ लेकिन मुझे देखने में भी मज़ा आता है। अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़े पैसों में ज़्यादा अच्छा ड्रेस या ज़्यादा अच्छी चीज़ ले सकूँ। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना कम पैसा खर्च करके अच्छी चीज़ लेने में, वो आई थिंक कहीं नहीं मिलती। खैर अगर मैं एक्सपेंसिव ड्रेस ले भी रही हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि वो एक्सपेंसिव लगे भी और उस प्राइस के हिसाब से वो ड्रेस बिल्कुल ठीक हो ताकि मुझे दिल से सेटिस्फेक्शन हो और मेरे पैसे वसूल हों। 18 रुपए पे भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, प्राइजेस भी बिल्कुल ठीक थे एंड अनस्टिच कलेक्शन यहाँ की बहुत प्यारी थी। खैर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ की डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर अभी तक आप लोगों ने ईद ड्रेस नहीं लिया तो जाके आराम से अपना ईद ड्रेस लेकर आ जाएं, आपको व्लॉग देख के आइडिया हो जाएगा कि कहाँ किस टाइप के और कितने प्राइजेस में ड्रेसेस मिल रहे हैं। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में ये सारे आउटलेट्स अवेलेबल हैं। सो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस करें कि मैंने अपना सेकेंड डे का ईद ड्रेस कौन सा लिया है। जो जो ड्रेसेस मैंने आप लोगों को दिखाए हैं उसी में से एक ड्रेस है। इफ़ आप लोग गेस कर लें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। खैर आज का व्लॉग यही था, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से इतना सब कुछ शेयर करके, इतनी सारी बातें करके, और व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो आई होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।